सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और अपने सुझाव और कमेंट्स वहां लिखे। आज हम अष्टम भाव पर बात करेंगे। अष्टम भाव पर जब भी कोई बात करना चाहता है या करता है तो लोगों को उससे डर सा लगता है या ऐसा लगता है कि ऐसी कुछ बातें उभर कर सामने आएंगी जो भयस्प्रद होंगी। तो क्या ये भयस्प्रद है? यदि आप जीवन में चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन को भय के दृष्टि से देखते हैं तो हो सकता है ये भय आपके जीवन में लाए। यदि आप अपने पास्ट लाइफ को भय की दृष्टि से देखते हैं तो ये डेफिनेटली भय की बात है, क्योंकि अष्टम भाव आपके पास्ट लाइफ से कनेक्ट करता है। पास्ट लाइफ की कुछ इच्छाएं, कुछ बातें जो अधूरी रह गई थी, जो पूरी नहीं हो पाई, आपकी कुछ अंतर मन की जो इच्छाएं थी, प्रबल इच्छाएं थी जो को आप पूरा नहीं कर पाए, वो आपकी इस लाइफ में दिखाई देता है। या पास्ट लाइफ का कोई देना कोई लेना छूट गया हो किसी के साथ और आप उसको पूरा नहीं कर पाए तो इस जन्म में आपको वो चुकाया बकाया करने की जरूरत है और उसके कारण आपके जीवन में उथल पुथल होगी। उसके कारण आपके जीवन में बहुत से ऐसे पड़ाव आएंगे जहां आपको लगेगा कि आप अकेले हैं या आपको डीप सी में डाल दिया गया है बिना किसी सहारे के। लेकिन बात यह भी है कि ये ही अष्टम भाव आपको अध्यात्म की ओर लेके जाता है। ये अष्टम भाव आपको उन तकलीफों से सामना जरूर कराता है लेकिन उनसे उभर कर आने का भी रास्ता आपको इस अष्टम भाव से ही प्राप्त होता है। तो अष्टम भाव में जो बैठे ग्रह हैं वो आपको प्रॉब्लम्स दिखाते हैं क्योंकि आपको उथल पुथल से डर लगता है, लेकिन वो आपको वहां से निकलने का या अपने कर्मों को ठीक से पूरा करने का, अपना देना लेना बकाया जो भी है जो पूरा करना है उसको पूरा करते हुए बाहर किस तरह से निकलना, तमसोमा ज्योतिर्गमन, तमस से लेके ज्योति की ओर किस तरह से आते हैं, वो अष्टम भाव में बैठे ग्रह आपको बताते हैं। क्योंकि अष्टम भाव अंधेरे का स्थान है। काल पुरुष कुंडली में यदि देखा जाए तो ये वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि में बोला जाता है कि ये यदि सूर्य उदय सूर्य अस्त के बाद वाला स्थान आता है तो यहाँ धूमिल छाई हुई रहती है, बहुत सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देती है और उसके बाद ही नवम भाव जो कि आपको प्रगति की ओर, जो कि आपको आपकी अध्यात्म की ओर लेके जाता है वो आता है। तो ये आपका एट्थ हाउस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो आपको संसार की ओर संसार से बांधता है और फिर जीवन में चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन लाकर आपको सच्चाई की ओर या ईश्वर की ओर आपके इष्ट देव की ओर लेकर जाता है। तो प्लैनेट्स इन एट्थ हाउस जो भी ग्रह यहाँ बैठा है अपनी पीरियड में आपको अपने अनुसार ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा। वो किस भाव का स्वामी है, कौन सा ग्रह है, ये सारी चीजें बताएंगी कि आपके जीवन में वो परिवर्तन वो चेंज किस तरह से आएगा या क्या लेकर आएगा या कौन लेकर आएगा। जिस तरह से हर परिवर्तन के बाद मनुष्य का एक पुनर्जन्म जैसा होता है या उसमें उसकी जो काया है वो पलट जाती है तो अष्टम भाव जो है आपकी इस काया कल्प को भी बताता है कि आपका एक तरह से पुनर्जन्म हो रहा है। ये वो उस अंधेरा या वो तूफान से आपको लेकर जाता है जब आप दूसरी छोर पर पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि जो पिछली बातें हैं जो पुरानी बातें हैं वो एक धूमिल स्वप्न के हिसाब की है। अष्टम भाव आपके जो बेटर हाफ है उसके बारे में बताता है, उनके परिवार के बारे में बताता है और परिवार की स्थिति के बारे में बताता है। आपके बेटर हाफ किस तरह से बात करते हैं, किस तरह का व्यवहार रखते हैं, उनके मान सम्मान में क्या जरूरी है, ये उनकी एडुकेशन क्या हो सकती है, ये सारी जानकारी हमें अष्टम भाव से ही प्राप्त होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपके ये सारी चीजें जो है लाइफ में प्रीडिस्टाइंड होती है, यानी कि प्रीडिस्टाइंड यानी कि पहले से ही हमें इस बात इन सब बातों का ज्ञात होता है। तो जो मांगल्य भाव है जो सुख है हमारा अष्टम भाव का वो भी जीवन का या वैवाहिक सुख जो हमें प्राप्त होता है वो भी अष्टम भाव दिखाता है।
अष्टम भाव से वो धन हम देखते हैं जिसके कारण से हमें कुछ चुकाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पेंशन, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें, या हेरिडिटरी जो मनी है, जो पैतृक संपत्ति है, वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। लेकिन उसके लिए, पैतृक संपत्ति के लिए, खुदा ना खास्ता किसी बड़े का, किसी प्रिय का जाना जरूरी है, तभी हमें वो पैतृक संपत्ति मिलती है। पेंशन हमें तब मिलता है जब हमारी जॉब जाती है, या इंश्योरेंस हमें तब मिलता है जब हमें कोई बीमारी होती है, या हमारा कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन होता है। तो उस प्रकार के इनकम दिखाते हैं जब थोड़ी सी टेंशन के बाद, या थोड़े से मन खराब होने के बाद, या कोई प्रॉब्लम आने के बाद हमें वो पैसे प्राप्त होते हैं। फिर हम देखते हैं रिसर्च। अष्टम भाव आपको एक दृष्टिकोण देता है, क्योंकि आप चेंजेस जा रहा है, क्योंकि आपको अध्यात्म की ओर लेके जा रहा है। तो वहां आप के जीवन में जब हलचल होने लगती है या चेंज होने लगती है, तो आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। इससे वो आपको स्पिरिचुअलिटी या ईश्वरवाद, ईश्वर की तरफ खींचता है, और आपको एक अध्यात्म के प्रति एक रुचि दिलाता है। तो अष्टम भाव जो है वो अध्यात्म का भी भाव माना गया है। इनफैक्ट हमने बहुत जगह पढ़ा है कि जब व्यक्ति के जीवन में दुख ज्यादा आने लगता है, तो वो और भी ज्यादा ईश्वर की तरफ झुकने लगता है, ये क्वेश्चन करने लगता है कि मैं क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और वो ईश्वर से इन सब चीजों के बारे में पूछने लगता है। तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर से जुड़ता है। फिर हम देखते हैं कि ये अष्टम भाव जो है वो आपको रिसर्च की ओर भी लेकर जाता है, क्योंकि अष्टम भाव उन रिसर्च को बताता है, या उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है जो आप अंधेरे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो अष्टम भाव जो है वो आपका की बदनामी बताता है, स्कैंडल्स बताता है, कैपिटल पनिशमेंट्स, यानी कि आजकल तो कैपिटल पनिशमेंट बहुत कम हो गए, लेकिन आपका जो मृत्यु दंड है आदि, ये सारी चीजें भी हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। और मांगल्य भाव के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं, कौन सा ग्रह यदि अष्टम भाव में बैठा है तो क्या फल दे सकता है। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि वो ग्रह किस भाव का स्वामी है, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। यदि आपका पंचमेश अष्टम भाव में बैठा है, तो आपके वित्त को जोड़ रहा है, आपकी विद्या को जोड़ रहा है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जो है वो परा विद्या के बारे में बताता है, यानी कि जो विद्या हमें इजिली अवेलेबल नहीं है, या वो विद्या जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। द्वादश भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठा है, तो वो आपको या तो भोग संभोग संभोग की ओर ले जा सकता है, क्योंकि अष्टम और द्वादश में ये भी कॉमन चीज है, या फिर वो आपको एकांत की ओर ले जा सकता है, उस तरफ ले जा सकता है जहां कि आप टोटली लोगों से अलग हो, ध्यान मग्न हो, और फिर रिसर्च करके कुछ बाहर अच्छा लेकर आए, या अध्यात्म से जुड़े। तो ये भी हमें देखना बहुत जरूरी है कि वो कौन से भाव का स्वामी है। यदि सूर्य तृतीय भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठता है, तो वो आपको इतनी ऊर्जा शक्ति देता है कि आप दूसरों के साथ जो है, तृतीय भाव आपकी वाक शक्ति का भाव बता। अष्टम भाव बताता है कि आप किस तरह से रिसर्च और नॉलेज ज्ञान कर सकते ज्ञान पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ वो सूर्य जो अष्टम भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी है, यदि वो अष्टम भाव में बैठते हैं, तो वो आपको लोगों से तरह तरह से जुड़ने का मौका देते हैं, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान फूट फूट कर भरा है। यही यदि ये पंचम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में जुड़ते हैं, तो वो आपको विद्या ऐसी देते हैं कि आप ट्रेडिशनल नॉलेज में रिसर्च करें, या आप एकांत में बहुत जप तप आदि करें, क्योंकि पंचम भाव जप तप के लिए बताता है। ये बताता है कि आपके जीवन का जो डायरेक्शन है वो रिसर्च से के अधीन है, या हेल्थ, क्योंकि पंचम भाव आप गुड हेल्थ देता है, और सूर्य अष्टम में यदि हो तो आपको हेल्थ के पर रिसर्च करने की क्षमता देता है। इसी प्रकार हम ये देखें कि कौन सा ग्रह किससे जुड़ता है, किस भाव से जुड़कर अष्टम भाव में विद्यमान है, वो वहां का बहुत सुंदर रिजल्ट देगा। दूसरा, हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं चंद्रमा की ओर। यदि चंद्रमा आपका अष्टम भाव में विद्यमान है, तो वो आपको वित्त तो अच्छे से बताते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो वित्त के कारक भी है।
और अष्टम भाव में चंद्रमा वित्त की ओर बताते हैं। अष्टम में चंद्रमा, अष्टम भाव के चंद्रमा आपको कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग देते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा नीच के होते हैं। नीच के चंद्रमा जो है वो दवाइयों का ज्ञान देते हैं और हाई कॉन्सेंट्रेशन पावर देते हैं, जिसके कारण आपकी स्पिरिचुअल शक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। और यदि मंगल अष्टम भाव में, अष्टमेश मंगल जो होते हैं वो बहुत बली होते हैं। क्यों? काल पुरुष कुंडली के जो अष्टम भाव के स्वामी थे वो मंगल है। यहाँ मंगल आपको ठहराव देते हैं, सोचने की शक्ति देते हैं, और फिर किसी चीज के भी प्लानिंग में आपकी जो क्षमता है उसको बहुत सशक्त कर देते हैं, जिसके कारण आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत बढ़ जाता है। और आप ऐसी चीजों का अनुभव, या जिसको लोग बोलते हैं ना प्रिनोमिनेशन, या जिसको बोलेंगे हम कि आपको उसका पूर्वाभास होने लगता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये ऐसा फोल्ड आउट करेगा, ऐसा काम होगा आगे चलकर, और वो सटीक होता है, तो ये मंगल है आपका ये सारा काम दे सकता है। याद रखिए कि ये मंगल आपको ये इसलिए दे रहा है क्योंकि आपके पूर्व जन्म आपका ये काम बाकी रह गया और आपको यहाँ ये पूर्वाभास द्वारा पूर्ण करने आप आए हैं। यदि हम अष्टम बुध को देखें, बुध अष्टम भाव में बोला जाता है कि ये कॉम्बिनेशन है, यदि सूर्य और बुध अष्टम भाव का हो तो वो एस्ट्रोलॉजर अच्छे बनते हैं। क्यों? क्योंकि आपके द्वितीय भाव को भी देखते हैं, जहां आप लोगों को परामर्श बहुत अच्छा दे सकते हैं, उनको गाइड अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का जो ये बुध है ये तृतीयेश काल पुरुष कुंडली के तृतीयेश है। काल पुरुष कुंडली का तृतीयेश आपको क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और साथ में आपकी सोच को बड़ा करने में सक्षम है। यदि आपको किसी चीज में रिसर्च करना है, यदि आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपकी सोच को आपको बड़ा करना पड़ेगा। किसी भी चीज, आपकी सोच को जैसे बोलते हैं कि हम वो उसको खुला सोच छोड़ देना पड़ेगा, ताकि आप कुछ भी समझने के लिए सक्षम हो सके, और इससे आपका अंतर्मुखी होना भी हम कह सकते हैं। अष्टम भाव का जो बुध है वो आपको साथ ही नर्वस इश्यूज भी दे सकता है, नसों की बीमारियां या स्किन प्रॉब्लम्स, ये भी वो देने में सक्षम है। अष्टम भाव में यदि गुरु बैठे हो, यदि अष्टम भाव में गुरु बैठे हो तो वो आपको परा विद्या देने में बहुत अच्छे से सक्षम है, क्योंकि गुरु जो है वो विद्या के कारक है, गुरु जो है वो पराविद्या के कारक है, वो कूटनीति या वो अच्छे से किसी चीज को समझने के अर्थशास्त्र के कारक है। अष्टम भाव आपके अर्थशास्त्र के बारे में भी बताता है, तो वो आपको अच्छे से अर्थशास्त्र, पराविद्या, ये सब समझाने के कारण है। और ये भी हो सकता है कि यदि ये गुरु अष्टम भाव में विद्यमान हो तो अपनी पराविद्या के कारण आप बहुत अच्छा वित्त कमा सकते हैं। फिर हम आते हैं शुक्र पर। यदि शुक्र अष्टम भाव में तो ये शुक्र जो है वो दोनों तरफ से काम कर सकते हैं। ये शुक्र आपको भोगी बना सकते हैं या ये शुक्र आपको योगी भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका ये जो शुक्र है वो किससे दृष्ट है। तो ये एक और एस्पेक्ट हमें ध्यान में रहना चाहिए कि यदि चंद्रमा अष्टम भाव में है तो वो अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। यही ये गुरु भी अच्छा या बुरा कर सकते हैं। डिपेंड ये भी करता है कि किसके साथ बैठे हैं और किससे दृष्ट भी है। अष्टम भाव का गुरु शुक्र जो है वो आपको वित्त तो दिलाते ही है, आपको अच्छा एक अष्टम भाव, क्योंकि आपके हीलिंग के लिए भी बहुत जरूरी है, तो अष्टम भाव में बैठे शुक्र आपको बहुत अच्छा सर्जन भी बना सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको किस ओर लेकर जाना चाहेंगे। अष्टम भाव का शनि, अष्टम भाव का शनि आपको सेवक की जो एक प्रवृत्ति है वो देता है, और आपको पेशेंस भी अष्टम भाव की शनि देते हैं। अष्टम भाव के कारक
काल पुरुष कुंडली में शनि माने गए हैं, क्योंकि एक तो ये दशम भाव को दृष्ट करते हैं, तो आप सेवा भाव से लोगों के लिए काम करते हैं, आप गवर्नमेंट सर्विसेज से जुड़ते हैं, और साथ ही आपको लोगों की मानसिकता समझकर उनके साथ काम करने में सुविधा भी होती है। अष्टम भाव का शनि आपको लॉन्ग लाइफ देता है, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ पीड़ा दे दे, कोई तकलीफ दे दे, जिसके कारण आप ये सोचें कि हाँ अब मुझे अपना जीवन यही अंत कर देना चाहिए। लास्ट में हम आते हैं राहु केतु। तो राहु के हम पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं जब हम अष्टम भाव के बारे में बात कर रहे हैं, और राहु केतु जो है वो हमारे पास्ट लाइफ और हमारे फ्यूचर लाइफ से बहुत अच्छे से जुड़े हैं। अष्टम भाव के बारे में हमने बात की और हमने बोला कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, उथल पुथल जीवन में बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है अष्टम भाव से, और अचानक से दिखाई देता है। राहु अचानक का कारक है, और राहु जहां बैठ जाए वहां चेंज अनिवार्य हो ही जाता है। तो जब दो चेंज के कारक एक साथ बैठते हैं तो वहां आपको बिना नोटिस, बिना खबर किए चेंज आपके लाइफ में दे दनादन जब चाहे आ सकते हैं। कब आएंगे ये आपको देखने के लिए राहु के पीरियड्स देखिए, राहु के सब पीरियड्स देखिए, और देखिए कि लाइफ में जब भी चेंज आया वो राहु के ट्रांजिट के कारण, राहु के सब पीरियड के कारण अचानक से घर बैठे वो चेंज आपको दिखाई देगा। केतु आपको सशक्त कर देता है, तैयार कर देता है कि हाँ जीवन में परिवर्तन ही एक जीवन का नियम है, और मेरे जीवन में हमेशा परिवर्तन आता है और मैं उसके लिए सज्ज हूँ। तो केतु यहाँ आपकी वो मदद करता है। आए देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में हम जानते हैं कि उनके पॉलिटिक्स में यदि बात की जाए तो उनके लिए ये बात है कि उनके समान सज्जन व्यक्ति, उनके समान आध्यात्मिक व्यक्ति पॉलिटिक्स में बहुत कमती देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम देखें मनमोहन सिंह जी के चार्ट में मंगल, चंद्रमा स्वग्रही होकर और शुक्र, ये तीनों अष्टम भाव में विद्यमान है। यदि हम शुक्र को देखें तो शुक्र षष्ठेश भी है, मंगल द्वादशेश भी है, और अष्टमेश चंद्रमा के साथ विद्यमान है अष्टम भाव में। यह विपरीत राजयोग उनके जीवन में दिखाई देता है। दिखाई देता है कि कठिन परिस्थितियों से, कठिन चेंजेस के साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया, लेकिन आज जिस मुकाम में है, उनको जो डॉक्टर की पदवी मिली है और उनका जो नाम है देश विदेश में, उनको उनका जो उनकी जो एक ऑनेस्ट ओपिनियन है, वो सारी चीजें हम उनके अष्टम भाव से देख लेते हैं। एक झलक नक्षत्र की ओर भी, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। हम योगानंद परमहंस जी का चार्ट लेते हैं। योगानंद परमहंस जी के चार्ट में गुरु और मंगल जो उनके अष्टम भाव में एक साथ बैठे हैं, मंगल उनका योग कारक है और गुरु पंचमेश और अष्टम भाव को जोड़ते हैं। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि पंचमेश अष्टम भाव को जोड़ते हैं में बैठते हैं तो वो आपको पराविद्या में परांगत करते हैं, वो आपको स्पिरिचुअलिटी देते हैं, एकांत देते हैं, ताकि आप अपने अपनी पूजा पाठ आदि आराम से अकेले में कर सकें और अपना अध्यात्म अकेले में कर सकें, जो कि हम परमहंस जी के चार्ट से देख सकते हैं। यदि मंगल जो योग कारक होके अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो वो उनको वो विद्या में और भी मदद करते हैं, सहायता करते हैं कि वो विद्या उनकी और बढ़ जाए, और साथ ही उनको एक गुरु भी बनाते हैं। इसके कारण उनको देश विदेश में ख्याति भी प्राप्त हुई और उन्होंने उससे लोग उनके प्रति समर्पित थे, उन्होंने उनको बहुत विथ दिया, जिसके कारण उन्होंने अपने आश्रम स्थापित किया। अब हम ब्रिटेन के एक राजा की का चार्ट लेते हैं, क्योंकि आपको ये बात भी दर्शानी है कि यदि मंगल यहाँ चंद्रमा है वो भी अष्टम भाव में, यदि आप देखें तो मनमोहन सिंह जी का भी चंद्रमा अष्टम भाव में है, तो दोनों में इतना अंतर क्यों था? क्योंकि ये राजा जो थे अत्यंत व्यभिचारी राजा, इन्होंने अपने शासनकाल में पूरी की पूरी प्रजा को आतंकित रखा। तो ये अष्टम भाव जो उनको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है या दूसरों को उनको क्रूअल बना रहा है ये चंद्रमा, ये क्यों बना रहा है? क्योंकि इनका ये चंद्रमा है वो द्वादश भाव का चंद्रमा है। यहाँ हमने देखा कि मंगल भी उनका द्वादश भाव का स्वामी है जो चंद्रमा के साथ विद्यमान है। फर्क ये पड़ जाता है कि ये चंद्रमा
तीन पापी ग्रहों से दृष्ट है, और इस पर हमने वीडियो बनाया है कि कोई भी भाव या यदि कोई भी प्लैनेट दो से अधिक पापी ग्रहों से दृष्ट हो तो वो आपके तो उस भाव के लिए, उस प्लैनेट के लिए बहुत हानिकारक होता है, उस भाव को तहस नहस कर सकता है। यहाँ अष्टम भाव की जो मांगल्य भाव है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। इन्होंने अपनी पत्नियों का कत्ल करवाया, एक के बाद एक पत्नियों का कत्ल करवाया ताकि ये वापस फिर से शादी कर सके। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अष्टम भाव का ये चंद्रमा उनको व्यभिचारिता की ओर लेके जा रहा है, और यही मनमोहन सिंह जी का अष्टम भाव का चंद्रमा उनको अध्यात्म की ओर और उनको गहन अध्ययन और एक विचारधारा जो कि पूरे जगत में उनको विख्यात करती है उसकी ओर लेकर जा रहा है। यह नक्षत्रों का भी खेल है क्योंकि ये चंद्रमा उनका जो है वो अश्लेष नक्षत्र में है जो कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, जो आपको एक लीडर बनाता है और आपको दूसरों का हित अपने हित से पहले रखने की क्षमता देता है। यहाँ इनका जो शुक्र है वो भी अश्लेष नक्षत्रों का है तो वहां उनको कंपैशन भी देता है और उनको दूरदर्शिता भी देता है, उनके साथ चीटिंग, क्योंकि अष्टम भाव आपको चीटिंग स्कैंडल्स भी बताता है, तो उनके साथ हुई चीटिंग को भी ये शुक्र दर्शाता है। मंगल जो उनका है वो पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है और हम जानते हैं कि वो उनको एक टीचर बनाता है और स्ट्रैटेजी के साथ अपनी प्लानिंग को किस तरह से लगाना है, इंप्लीमेंट करना है और आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें आपको देता है। यही ये चंद्रमा रेवती नक्षत्र में हो, सौम्य नक्षत्र में होने के बावजूद भी, उनको बहुत सारे गुण देने के बावजूद भी, उनको व्यभिचार भी इसी के लिए बनाता है क्योंकि तीन पापी ग्रह जो कि इस केम ध्रुम योग में युक्त चंद्रमा, यानी कि इस चंद्रमा पर कोई भी शुभ दृष्टि नहीं है और न ही इसके आगे पीछे कोई ग्रह है, तो ऐसे ऐसे चंद्रमा को जब अष्टम भाव में देख रहा है तो वो उनको व्यभिचार की ओर और पतन की ओर लेकर जा रहा है। अष्टम भाव जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपके पुराने लेखा जोखा पूरा करने का, देना पूरा करने का भाव है। यदि आप चाहें तो इसको सहजता पूर्वक जीवन में ला सकते हैं, अपना सकते हैं, नहीं तो जीवन अपनी नियति से उसको करवा ही लेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।